रतलाम की बेटी खुशी पाटीदार ने 11,000 सैनिटरी पैड का गरीब महिलाओं को वितरण किया। इस 11,000 सैनिटरी पैड वितरण का शुभारंभ भी सांसद गुमान सिंह की पत्नी सूरज डामोर, पूर्व विधायक संगीत चारेल के हाथों हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस कार्य के लिए खुशी ने जो राशि खर्च की वे राशि भी किसी से ली गई नहीं, बल्कि पिता द्वारा दी जाने वाली साइकिल के बदले उस राशि को सैनिटरी पैड के लिए खर्च किया। खुशी का कहना है कि अशिक्षित और पिछड़ी महिलाओं में सैनिटरी पैड को लेकर जागरूकता की कमी के कारण वे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती और कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। इसलिए मैंने ऐसी महिलाओं तक सैनिटरी पैड पहुंचने इसकी जागरूकता के लिए 11,000 सैनिटरी पैड ऐसे पिछड़े इलाकों और बस्तियों में महिलाओं तक पहुंचाकर जागरूक करने का सोचा और पिता द्वारा दी जाने वाली साइकिल की राशि इस कार्य में लगाई है। सांसद की पत्नी ने इस कार्य के शुभारंभ में हरी झंडी दिखा दी और बताया कि इस जागरूकता की काफी जरूरत है, इसके लिए प्रयास सराहनीय है। फिल्म पैडमैन को देखकर लगता है कि अब इस जागरूकता की बहुत आवश्यकता है, समाज में इसे इग्नोर किया जा रहा है। नाम खुशी पाटीदार, पिता राजाराम पाटीदार। मैं अपने हॉस्टल में कुछ लड़कियों से इस चर्चा पर बातचीत रही कि कोरोना के चलते समय ऐसी कई सारी महामारियां होती रहेगी, तो इसके उपलक्ष्य में हमने ये कार्य सोचा है, बातचीत की कि सैनिटरी पैड कई लड़कियों तक पहुंच नहीं पाता है, कई महिलाओं तक पहुंच नहीं पाता है, तो मैंने यह निःशुल्क सैनिटरी पैड बांटने का योगदान किया, निःशुल्क सैनिटरी पैड बांटने का सोचा, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे उस समय कि मैं उसे निःशुल्क बांट सकूं। कोरोना के चलते वक्त मेरे पापा ने मुझे कहा, मुझे एक स्वास्थ्य को लेकर साइकिल दिलाने का बोला, पर मैंने मेरे अपने पिताजी से बोला मुझे साइकिल नहीं चाहिए, मुझे उन पैसों से लड़कियों को सैनिटरी पैड वितरित करना है, निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित कर सकूँ। तो मुझे मेरे पिताजी का पूर्ण सहयोग रहा मेरा और मुझे उन्होंने प्रेरणा दी और मेरी दादी समान श्रीमती डामोर मैडम, उन्होंने मुझे प्रेरित किया, तो आज मैं निःशुल्क मोबाइल रथ के माध्यम से 11,000 सैनिटरी पैड वितरित कर रही हूँ। धन्यवाद। कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इसमें? वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसी गतिविधियाँ मैं आगे भी करती रहूँगी और ऐसा योगदान मेरा रहेगा।